नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं HN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं और स्थानीय पत्रकारों के प्रयासों से गरीब रिक्शा वाला के लड़के को मिली अस्पताल से छुट्टी। वसई लिंक रोड पे स्थित ओजोन अस्पताल में कल एक मरीज के परिवार को पैसे के लिए परेशान किए जाने का मामला सामने आया, जिसमें उस मरीज के इलाज हेतु पहले अस्पताल द्वारा 70,000 तक खर्च की बात की गई, लेकिन अस्पताल में भर्ती किए जाने के कुछ दिनों बाद 1,20,000 के आसपास पैसे भर दिए जाने के बाद और 1,00,000 से अधिक की मांग की गई, जिसको भरने में गरीब रिक्शे वाला द्वारा असमर्थ होने की बात कहने पर अस्पताल द्वारा मरीज को रोके रखा गया एवं मरीज के पिता पर पैसे भरने का दबाव बनाया जाने लगा। तब मामले की जानकारी स्थानीय राष्ट्रवादी पार्टी के पदाधिकारियों को मिली और राष्ट्रवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने मीडिया के पत्रकार बंधुओं को बुलाकर मामले को रिपोर्ट करने का अनुरोध किया, जिस पर कुछ पत्रकार वहां पहुंचे एवं मामले की रिपोर्ट बनाने लगे। तब अस्पताल प्रशासन पर कुछ दबाव आया और अस्पताल प्रशासन तुलिंज पुलिस थाने पहुंचा, साथ ही साथ पीड़ित एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पदाधिकारी और मीडिया कर्मी भी तुलिंज चौकी पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी तुलिंज PI राजेंद्र कामले को दी, जिस पर राजेंद्र कामले ने मध्यस्थता करते हुए मामले को सुलझाया। वह अस्पताल प्रशासन ने सिर्फ 10,000 बिल अदा करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी एक हो गए और मरीज के पिता ने 10,000 रुपए भर अपने लड़के को अस्पताल से निकाल लिया। पेश है वसई की यह खास रिपोर्ट।